अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करे, देखो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जब भी आप कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 1-to-1 कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है, कोई अगर आपको कमेंट कर रहा है तो जा करके उसको रिप्लाई करो? मतलब पॉसिबल है अगर आपके पास बहुत कम इंगेजमेंट आ रही है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं या आप कंटिन्यूअस जो है अपना वो चीज़ नहीं देख रहे हो, जो कमेंट आ रहे हैं, जो आपको डीएम कर रहे हैं, उस केस में ये मेनी चैट आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ऑटोमेटेड रिप्लाइज देने में। यानी कि कस्टमर के क्वेश्चन को पढ़ करके ये ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, इसको आपको जरूर से जरूर इंटीग्रेट और यूज करना है। इसमें आप देख सकते हो कि पूरा ऑटोमेटेड कन्वर्सन होती है, आप चाहो तो इससे लीड भी जनरेट कर सकते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक सिंपल अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। इसमें आप इन चार चीज़ों का, चार नहीं बल्कि एक पांचवी चीज़ और भी है आपको अंदर मिलेगी, पांच चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। एक तो इंस्टाग्राम को, फेसबुक मैसेंजर को, व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को, और बल्क एसएमएस का भी ऑप्शन इसमें शायद है, मैंने देखा था लास्ट टाइम का, तो उसका भी ऑप्शन है। तो एसएमएस इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इंस्टाग्राम क्लिक कर रहे हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप सारे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप चारों चीज़ें भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद फेसबुक करेंगे। अब देख लेते हैं क्या फेसबुक का अकाउंट हमारा लॉगिन है या नहीं है। हाँ फ्री है, फ्री भी है, पेड भी है। आपको फ्री में मतलब भर का काम का आपको मिल जाएगा। पेड में अगर आपके पास इन फ्यूचर पैसा होता तो आप पेड फ्यूचर में जा सकते हो, उसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें भी मिलेंगी। तो हिमांशु के पेज पे ही हम ये चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद हिमांशु करेंगे क्योंकि हिमांशु की फेसबुक आईडी इसमें लॉगिन है। आपको अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है और कंटिन्यू कर देना है। तो मेनी चैट इज रिक्वेस्टिंग, कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, वो आप परमिशन दे दीजिएगा। तो यहाँ पर इनका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। तो हिमांशु का ईमेल एड्रेस हमें डालना पड़ेगा, तो हिमांशु अपना ईमेल एड्रेस बता दो। तो अब मेनी चैट में आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाला है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो और चाहो तो ना डालो। फिर है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल, है ना? जो भी हो आप हो आप ले लो, कोई मतलब नहीं इन सब का, बस ये अपने लिए कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, आप बिगिनर हो या फिर प्रो हो, जो भी हो आप ले सकते हो। हाउ डिड यू हियर, तो आप इसमें फेसबुक हमने ले लिया। और इस तरीके से यहाँ पर देखो आपका आ गया ऑप्शन कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर हमने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया और जैसे ही हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट मेनी चैट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये देखो कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट एटलीस्ट वन टू कंटिन्यू। आप क्या चाहते हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन करना चाहते हो या फिर आप इनबॉक्स में अपना इनबॉक्स केवल मैनेज करना चाहते हो? तो हम दोनों करना चाहते हैं, दोनों हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट विथ फ्री प्लान पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर कुछ पूछ रहा है विल दिस अकाउंट बी यूज फॉर एक्चुअल बिजनेस पर्पज। हम कुछ ले लेते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। और ये हमने इंस्टाग्राम ले लिया। अब इतनी सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो, है ना? यस आई एम सेटिंग, नहीं क्लाइंट के लिए मुझे नहीं करना है, अपने लिए करना है। और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा अकाउंट बन गया है, इसको अभी हम यहीं पर रोक देते हैं। उससे पहले हम पहले पूरा इंस्टाग्राम समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद बच्चे वाले पार्ट पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है?